डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप एमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिस दिस इज मॉड्यूल नंबर ट्वेंटी वन एंड वी आर गु टॉक अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ लीडर्स एंड फॉलोअर्स और इस इंटरैक्शन को हम साइको डायनेमिकस्पेक्टिव में स्टडी वो करेंगे इट इज सेड कि जब हम साइको डायनेमिकस्पेक्टिव में लीडरशिप कंसर्न को सोचते हैं तो मिररिंग एंड आइडियालाइजिंग ज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनमिना विच वी हैव टू काउंट और इसमें एक बहुत खूबसूरत कॉन्टेक्स्ट जो हमें देखने को मिला वो ये है कि द फर्स्ट मिरर इज द mother's फेस एक छोटे बच्चे के लिए सबसे पहला अक्स वो उसकी माँ का चेहरा है जिसमें वो अपनी पर्सनैलिटी जिसमें वो अपने जात को वो देख पाता है और उस पहले अक्स के बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज और हर लाइफ इज द लीडर जिसको वो फॉलो करेगा और उस लीडर की शक्ल में वो जान पाएगा कि उसका अक्स कैसा है बिकॉज लीडर के कहने पर उसने अमल करना है लीडर के कहने पर उसने चीजों को मटीरियलाइज करना है उसने लीडर की बात को अहमियत देनी है उसने लीडर को आइडियालाइज करना है सो लीडर इज शख्स अपनी जात में बहुत इंपॉर्टेंस वो दे पाता है और होगा ये कि उस लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में वो उन लोगों को अपने लिए आइडियालाइज कर लेता है जो उसके लिए अहम हैं अब चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो कोई मजहबी कंसर्न हो चाहे वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो जो लोग उसके लिए अहमियत के हामिल हैं उनको वो आइडियालाइज कर लेगा और इस मिररिंग एंड आइडियालाइजिंग के प्रस्पेक्टिव में उन्हीं लोगों में वो अपने अक्स को देख पाएगा साइको डानेमिक परस्पेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू लुक एट एंड दैट इज नार्सिज्म नो डाउट समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम सेल्फ एप्रिसिएशन समाइम्स पीपल हैव सेल्फ एडोरेशन समाइम्स दे फॉल इन सेल्फ लव सो ये तमाम चीजें नार्सिस्ट एटीट्यूड के पार्ट हैं लेकिन नार्सिज्म के भी हमारे पास दो पहलू हैं वन कैन बी सेल्फ इंटरेस्ट टू सेल्फ एब्जॉर्बेशन और हमें यह देखना पड़ेगा कि हर शख्स नार्सिस्ट एटीट्यूड में इनमें से किस डिग्री पर प्रिवेल वो कर रहा है अब नार्सिज्म कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड नार्सिसम कैन बी रिएक्टिव अगर हम कंस्ट्रक्टिव नार्सिज्म की बात करें तो दैट माइट टॉक अबाउट सेल्फ एस्टीम जिसमें उस शख्स की सेल्फ इंपॉर्टेंस काउंट की जा रही है लेकिन अगर हम इसके रिएक्टिव पहलू को देखें तो पीपल वुड बी इंडल्ज इन पावर कलेक्शन पीपल वुड बी इंडल्ज इन पावर इंजॉयमेंट जिसमें कि सिर्फ अपनी ताकत के नशे में वो अपने आप को दूसरों से मुमताज समझ रहे हैं इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नार्सिज्म को देखें तो दैट वुड बी द कंसर्न ऑफ सपोर्टिवनेस जिसमें हम फॉलोअर्स को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसके बरक्स अगर हम रिएक्टिव स्टाइल को ऑफ नार्सिज्म को देखें तो पीपल आर कंसर्न विद स्टेटस कॉन्शियसनेस लाइक वाइज इज द बैलेंस जो कि पॉजिटिव नार्सिज्म में हम देखते हैं विच इज कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द नार्सिज्म लेकिन अगर हम रिएक्टिव साइड ऑफ द नार्सिज्म को देखें तो दैट वुड बी प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द केस ऑफ सुप्रियोरिटी जहां पर आप, आप दूसरों को मुमताज समझ रहे हो आप यह समझ रहे हो कि शायद आप दूसरों से बेहतर हो हालांकि बेहतरी का मैार आपका नार्सिस्ट एटीट्यूड नहीं है इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टिव नार्सिज्म की बात करो तो पीपल शुड बी मोर एंगेज विद एम्पथी टेकिंग केयर अबाउट अदर्स पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शू एंड देन अंडरस्टैंडिंग के दूसरा शख्स क्यों कर कैसे बर्ताव कर रहा है लेकिन इसके बरक्स अगर हम रिएक्टिव को 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 देखें तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द पावर गेम्स अब एक लीडर को भी इस बात अंडरस्टैंड करना है कि आया उसका जो ताल्लुक और मामला है अपने फॉलोअर्स के साथ वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हो रहा है या रिएक्टिव कॉन्टेक्स्ट में डेवलप वो हो रहा है इसी तरह बाज़ोकात एक लीडर अपने कंसर्न में

पीपल टेंट टू बी द सेम कि अब फॉलोअर्स चूंकि उस लीडर को आइडियालाइज करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस लीडर जैसे हो जाएं और उस लीडर जैसे बनने में दे हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम रियलिटी दे मे फॉर सर्टन कंप्रोमाइज़ उसकी वजह क्या है कि वो अपने उस आइडियल के साथ इख्तलाफ पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं करते उसके तहत क्या होगा अब लीडर भी अपने फॉलोअर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेगा कुछ हमारे पास इन ग्रुप्स होंगे कुछ हमारे पास आउट ग्रुप्स होंगे इन ग्रुप हम उन लोगों को कहते हैं जिनके साथ लीडर का ताल्लुक और मामला ज्यादा अहमियत का हामिल है जिनके ऊपर लीडर स्पेशल फोकस करता है जिनको लीडर मोटिवेट करता है और वो लोग वो होंगे जो कि लीडर जैसा होने की कोशिश भी कर रहे होंगे दूसरा ग्रुप हमारे पास आउट ग्रुप है आउट ग्रुप के लोग वो लोग हैं जो लीडर के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते जो उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते और लीडर भी उनके ऊपर तवज्जो नहीं करता so सो कोऑपरेशन आ रही है कहां पर एग्रेशन क्रिएट हो रहा है लीडर को इन तमाम मामला में बैलेंस रखने की जरूरत वो होगी लाइक वाइज देर इज अ कॉन्सेप्ट के मुताबिक समटाइम्स द लीडर लैक्स रियलिटी टेस्टिंग लीडर को खुद भी हकीकत आशनाई नहीं होती और जब लीडर खुद भी हकीकत आशनाई नहीं रखेगा तो वो फॉलोअर्स को भी सही डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाएगा लेकिन वट द फॉलोअर्स वुड बी डूइंग? फॉलोअर्स वुड प्ले मेंटल एक्रोबैटिक्स। इन मेंटल एक्रोबेटिक्स से क्या मुराद है कि वह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उस लीडर की सही और गलत हर बात को वो बस मानते चले जाए बगैर इस बात के एविडेंस के बगैर इस बात की शहादत के कि आया लीडर उनको सही डायरेक्शन में भी लेकर जा रहा है या नहीं नतीजा लीडर के साथ जब फॉलोअर अपने एसोसिएट करते हैं तो दे वुड बी फोकसिंग ऑन मिनिमाइज द कंफ्लिक्ट देयर आइडियल एंड सेक्रीफाइस द ट्रुथ और ये सेक्रीफाइस करना ट्रुथ के हवाले से दैट वुड बी समथिंग जिसकी कॉस्ट जिसका

ग्रुप्स में जब लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके आपस के मामले तीन तरह के हो सकते हैं आइदर दे आर डिपेंडेंट और दे आर इंडिपेंडेंट और दे आर इंटरडिपेंडेंट। हमें यह देखना पड़ेगा कि एक ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में कैसे हैं सेकेंड थिंग जो हमें सोचनी है वो ये है कि बाजुकात ग्रुप के अंदर द पीपल वुड बी इन्वॉल्व इन आइदर फाइट और फ्लाइट फाइट का मतलब यह होगा कि दे वुड बी talking about their rights, they will be talking about their direction, they will be talking about their duties and they would be arguing on it. Or flight ka matlab ye hai, ke they would be leaving the group. Ab ye dekhna hai ke leader-member relationship ke andar either there is a fight situation or there is a flight situation. The third thing is, ke sometimes the people would be making pairs, sometimes they would be having synchronization and patronization.

डिसीजन मेकिंग एवरी थिंग एज ब्लैक एंड व्हाइट वह हर चीज को क्रिस्टल क्लियर देखना चाहते हैं वो हर चीज को नापते और तोलते हैं इस पैमाने के ऊपर जब तक उनको चीज क्लियर नहीं होगी दे वुड नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट सेकेंड एस्पेक्ट इज बाजुकात लोग जब ग्रुप में काम करते हैं तो दे मे हैव द प्रोजेक्शन इफेक्ट प्रोजेक्शन से मुराद होगी ओन इन अदर्स और इससे बाजुकात हम अपने लिए जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं विच इज नो डाउट अ डिफेंसिव एटीट्यूड देन देर वुड बी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस ऑन लेस थ्रेटेंड लेस थ्रेटनिंग और थ्रेटेंड टारगेट कि जिसमें आप अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन को दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश वो करते हो सो अगेन दिस इज ए बेसिक सोशल सोशल डिफेंस एंड देन देर इज डिनाइल और डिनाइल का मतलब ये है कि अब आपने इनकार कर दिया यू आर गोइंग टू एबसोलूटली रिफ्यूज इज गोइंग ऑन और ऑब्वियसली उसके फिर आपको ऑल्टरनेटिव जो हैं वो दरकार वो होंगे अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन द साइकोडमिकस्पेक्टिव हमारे लिए बहुत अहम है कि हम ये देख पाए कि एक ग्रुप के डायनामिक्स क्या है लोग कैसे डेवलपमेंटल थॉट्स में जाते हैं और उन डेवलपमेंट्स के पीछे उनके इमोशंस, उनके मूड्स उनकी कोरिलेशंस, उनकी एसोसिएशंस वो क्या क्या हैं। थैंक यू